दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसलमेर जिले भर में आज बच बारस का त्यौहार बेटों की माताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अल सुबह महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा की और विधिवत पूजा करने के बाद दिन भर महिलाओं ने आज पर्व के रिवाज के अनुसार खान पान बनाया है। बुजुर्गों के अनुसार बच बारस की पूजा केवल बेटों की माताएँ करती है, इसके अलावा उस गाय की पूजा की जाती है जिसके बछड़ा हो। इस दिन महिलाएं गाय के दूध से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करती है और साथ ही लोहे से कटा हुआ व गेहूं का उपयोग भी नहीं करती है। महिलाएं बाजरे की रोटी का सेवन करती है और भैंस या बकरी के दूध तथा अंकुरित धान का उपयोग करती है। बच बारस के दिन सुबह 5 बजे से ही गली मोहल्लों में रौनक देखने को मिली है। वहीं गली मोहल्लों में महिलाएं व गाय बछड़े की पूजा करती हुई दिखाई दी है। आज दिन भर शहर में बच बारस की धूम रहेगी, जिस दिन गायों के आने से पहले महिलाओं को भोजन करना पड़ता है के लिए काफी पूजनीय रहा है। उसी तरीके से बारस, जैसे कि जो भाद्रे में फर्स्ट बार जो बारस आती है उसमें गाय के बछड़े की माँ गाय की पूजा की जाती है। इसमें एक बेटे की माँ गाय के बछड़े की पूजा करती है और सुबह उसी दिन गाय की कोई भी चीज़ वो उपयोग में नहीं लेती है, जैसे कि गाय का दूध है, घी है, दही है, कोई भी चीज़ नहीं लेती है। इसका ये मातम रहे कि वह उस दिन एक कथा में, पुरानी कथा में कहा गया है कि गाय के बछड़े को भी गौला कहते हैं और गेहूं की कोई चीज़ को भी गौला कहते हैं। तो पहले के जमाने में किसी एक छोटी सी अनजान महिला ने बाल अवस्था के अंदर गौले के रूप में गेहूं की कोई चीज़ की जगह उसने गाय के बछड़े को, छोटे से बछड़े को कोई काट के सिजो दिया था। तो उसी की एक मातम को देखते हुए यहाँ पर महिलाएँ गाय के बछड़े की पूजा करती है और आज के दिन गेहूं की कोई भी चीज इसमें निषेध कहते हैं। ये पर्व बारस को मनाया जाता है और इस पर्व में बेटे की माँ होती है जो गाय की पूजा, गाय और बछड़े की पूजा करती है और कई औरतें ऐसी भी होती है जो बेटे की आस रखकर इस पूजा को करती है। तो पहले उठ के पूजा करते हैं, कई हर्षोल्लास से ये पूजा को की जाती है, इनमें आस रख कर के बेटे की दीर्घायु। हाँ, डेली जो रूटीन रहता है उससे थोड़ा हटके रहता है। आज मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के तवे पे बाजरे की रोटी बनेगी। आज का बनाने का प्रोसेस रोज के प्रोसेस से अलग रहता है। चक्कू, छुरी ये सब यूज़ नहीं होता है। बाजरे की रोटी है, ये जो मूंग होते हैं इसके हम बेले बनाते हैं और इन बेलों की सब्जी खाते हैं। जो भी बनाया जाता है खाना वो सब ओपन बनाया जाता है, बिना कुकर के, बिना कढ़ाई के।